के भोजपुर बताए सुरेंद्र पटवार सिमराई पहुंचे। वहां बाल पीड़ितों से मिले। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए। बोला आपने खड़ा रहूँ, आप बोलोगे आधे घंटे खड़ा, कोई भी एक बोला आप एक एक कोई भी बोले आप बोलो आप बताइए। हमारे साथ पूरे सारे सामान खराब हो गए, हम लोग ना पहनने के खाने के पीने के सारे सामान, पहली बार है कि दूसरी बार है? अब मेरी पूरी बात सुनेंगे। अभी पूरे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा 13-14-15 जिले ऐसे हैं जहाँ हाई अलर्ट रेड अलर्ट करके बहुत सारा पानी गया, सारे डैम खुल गए। सुनना पूरी बात सुनना बहन, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ बरेली करीब 80 लोगों को। और यहाँ की जो समस्या है, कॉलोनाइजर को नोटिस दिलवा रहे हैं, नोटिस के साथ साथ यहाँ जो अव्यवस्थाएं हो रही है उसका सर्वे होगा 10 दिन के अंदर। SDM महोदय खड़े हैं, सर्वे होकर यहाँ जो जो काम है वो पूरा कराएंगे। मुआवजे के लिए कल से ये लोग सर्वे करके आपका पूरा का पूरा मुआवजा दिलाएंगे। इसलिए तो मैं आया हूँ। और बहन तुम ऐसे ही रहोगे, एक बहुत अच्छा रहे, ठीक है? लेकिन एक साथ बोलते हैं ना अपन, उससे क्या होता है? मैं समझता हूँ समस्या से। देखिए आप सुनो सुनो, 4 बजे से कल शाम को SDM महोदय, CO जनपद, CMO, जितनी टीम है, मलकित जी, SDOP राजेंद्र अग्रवाल जी, पवन जी, हमारे सारे लोग पूरे 3-3 बजे तक जगे। मैं बताऊं आपको, बोला में समस्या थी, वहाँ लोगों 12 लोगों को रेस्क्यू किया। सराकिया में आज सुबह 50 लोगों को रेस्क्यू किया, यहाँ भी किया, सारे लोग यहाँ भी रेस्क्यू किया। जो 6 नंबर में नोटिस में देखा है अंदर भी गिर रहा है, बाहर का पानी भी ठीक है। निरीक्षण किए बिना सभी बंधक कार्डों को मुक्त कर दिए और आज स्थिति ये है कि इस कानून में कोई नगर सामने वाले। हेलो, हाँ दीपक भैया, अरे वो आशीष आ रहा ना, आशीष को फोन लगाया आपने? चलो रुको मैं बोल रहा हूँ। आपकी स्थिति देखी जा रही है जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवारी, उनसे बात करके दौरे पर निकले हैं। भाई साहब आप दौरा कर रहे हैं, बारिश क्या कह रहे हैं? कल से लगातार 4 बजे से लेकिन मैं प्रवास में था इसके कारण से स्वयं उपस्थित नहीं हो पाया। और जैसा आप और हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में लगभग ऐसे 12 और 6 ऐसे जिले जहाँ हाई अलर्ट और रेड अलर्ट, यहाँ के रहवासी और
मंडीदीप बहुतलाकर क्षेत्र के हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका भी ये कहना है कि आज तक ऐसी वर्षा और इस तरह का पानी का बहाव हम लोगों ने नहीं देखा। जहाँ तक भोपाल और अपना भदभदा और केरवा और केरवा नहीं है अपना कलियासोत, यहाँ से जितना भी पानी का प्रवाह था दाहोद डैम भी 3 फीट ऊपर से निकल रहा था। कुल मिलाकर अतिवृष्टि होने के साथ साथ कुछ कॉलोनीज में प्रॉपर तरीके से जो कॉलोनाइजर ने कॉलोनीज बनाई है उसमें समस्या आई है और लोगों के घर में भी पानी घुसा है। नया निर्माण बाईपास बना है गुलागत में, उसके कारण से भी कुछ व्यवस्थाएं बनी है। नया जो सड़क बन रहा है निर्माण कार्य चल रहा है उसके कारण से भी हुआ है। बहुत सारे जगह ऐसा भी सुनने में आया है कि लोगों का सीमेंट का स्टॉक गीला हुआ है, ये पहली बार हुआ है। मंडी की अगर बात की जाए तो उद्योग क्षेत्र है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर वक्त ऐसे ही कॉलोनी में जो है पानी भरा देखा जाता है। तो कहीं कहीं आप जनप्रतिनिधि हो इस क्षेत्र के, आपकी नगर पालिका रही है, इस पर क्यों ध्यान देने दिया गया टाइम पे जब कॉलोनी डेवलपमेंट बन के यहाँ पर देखिए ये सारे विषय बहुत ही चिंतनीय है और इस समय भी इसके बारे में सोचा जाना था वो सोचा नहीं गया। आज हमारे साथ SDM महोदय हैं, LBD के टीम हैं और पूरी टीम सरकारी प्रशासन की टीम हमारे साथ है। हमारा प्रयास होगा चाहे वो लोटस हो की कॉलोनी हो, दीपनगर हो, सत्तापुर हो, जहाँ जहाँ इस तरह की समस्या आ रही है अगले 10 दिन के अंदर सर्वे कराने के साथ साथ कॉलोनाइजर के इंजीनियर और कॉलोनाइजर और प्रशासनिक अमला इस पूरी बात का निराकरण करने का प्रयास करेगा और प्रयास करके इसको कहीं ना कहीं समस्या को खत्म करने का काम। रायसेन जिले में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है बारिश का दौर है, पानी भरी है, आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है आप जाते हैं। देखिए बरेली में आपने देखा होगा जिले में हेलीकॉप्टर से 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, लगभग 80 लोग वहाँ फंसे हुए थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि जिसके कारण से सब लोग प्रभावित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहूँगा कि आप और हम लोग सब मिलकर इस समस्या का स्वाभाविक रूप से निदान करेंगे। आपने जो भी समस्या हमें बताई है चाहे मीडिया के माध्यम से चाहे हमारे लोटस के जो रहवासी उन्होंने बताई है, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा हुई है। अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके आ रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके का जो है किसानों को नुकसान देखा जा रहा है? आज ग्रामीण दौरा मेरा नहीं हुआ है, ग्रामीण दौरा मेरा कल होगा और कल भी जहाँ जहाँ फसलों का नुकसान होगा उसके मुआवजे के लिए पहले से आदेशित कर दिया। आज कहाँ दौरा था आपका? आज हम लोग ओबेदुल्लागंज, शारदा विहार, अर्जुन नगर, खिलीखेड़ा बाईपास और अभी लोटस है, लोटस के पहले सराकिया, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अभी सराकिया, अभी सतलापुर जाएंगे और दीपनगर। चलिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा जी से बात हुई।